हेलो दोस्तों, तो आज हम फिर से बात करेंगे लॉरस लैब्स के बारे में। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो। और कुछ दिनों पहले ही इन्होंने अपना रिजल्ट अनाउंस किया था, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर्स थे। और उस पर हमने एक वीडियो भी बनाया जो आप चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इनका जो इस बार का परफॉर्मेंस था वो इवेल्युएट करेंगे, और जो भी इन्होंने फ्यूचर एनविजन किया है उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको एक पूरी जो एक घंटे की जो अर्निंग्स कॉल होती है उसका मैं आपको शॉर्ट समरी में पूरा वीडियो में आपको बताऊंगा। और अगर कुछ रीजन से आप ना सुन पाए हो तो आपको समरी दे दी जाएगी इसमें। और अगर आप और ये सब सुनना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप कोई भी कंपनी में अगर इन्वेस्टेड हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो आपको पता होना चाहिए कि उनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं और उनका करंट फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और मार्केट शेयर में क्या सिचुएशन है उनकी। ये सब जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज हम लोग यही इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे और अपडेट्स आते रहें फ्यूचर में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आइए, मैंने हाईलाइट कर रखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उस पर हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने लॉरस सिंथेसिस प्राइवेट लिमिटेड सेट किया है और एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है बिग फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। और एक और इन्होंने एक कंपनी की है, मतलब एक वो साइड में वो खोला है एंड इनकॉर्पोरेटेड अनदर सब्सिडरी नेम्ड लॉरस इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद जो है लॉरस सिंथेसिस डिवीजन है, इनका एक्सपेक्टेशन है कि बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23 वो पूरा सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, जो कि आत्मनिर्भर कहते हैं। वो एंड ऑफ FY23 तक आत्मनिर्भर हो जाएगा लॉरस सिंथेसिस डिवीजन। उसके बाद अगर आपने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इन्होंने एक बायोटेक कंपनी भी एक्वायर की थी जिसका नाम है रिचकोर लाइफ साइंसेस प्राइवेट लिमिटेड, और अब इसे रीनेम करके लॉरस बायो कर दिया है। और इसमें ये अच्छी बात है कि करेंट प्रमोटर्स जो हैं वही लोग बिजनेस रन करेंगे, तो जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है इस फील्ड में वही लोग कंटिन्यू करेंगे। तो ये एक अच्छी बात है जो इन्होंने डिसाइड किया है करने का। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फॉर्मुलेशन डिवीजन जो है इनके पास, उससे 35% रेवेन्यू आया है कंपनी के पास। उसके बाद उन्हें रिसेंट में एक अप्रूवल मिला है ट्रिपल कॉम्बिनेशन एंटी रेट्रोवायरल ड्रग कंटेनिंग टेनोफिर एल्फेनामाइड। तो ये ARV जो होता है वो सब, उसके लिए इनको एक अप्रूवल मिला है ट्रिपल कॉम्बिनेशन। और उसके बाद फिर इन्होंने बोला है कि हमारे पास ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर्स आ चुके हैं और फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, मतलब इस साल, वो लोग ये सब ऑर्डर्स को सर्विस कर भी देंगे। उसके बाद वो लोग ग्रोथ देख रहे हैं डेवलप्ड मार्केट्स इन नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में। उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि ये लोग अपने जो फॉर्मुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे स्ट्रेंथ कर रहे हैं और उसे बढ़ाने के लिए भी बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि इन्होंने ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन किया था सेम साइट पे और वो अक्टूबर 2021 से ऑपरेशनल हो जाएगा और फुली ऑपरेशनल हो जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने तक। उसके बाद फिर उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी 4% रेवेन्यू अपना खर्चा किया है। उसके बाद अगर आप देखें तो API में एंटी रेट्रोवायरल APIs के लिए इनका सेल्स काफ़ी अच्छा रहा, और दिस दिस वाज द हाईएस्ट ARV API सेल्स सो फार, 1850 करोड़्स। उसके बाद जो इनका सेकेंड लाइन ARV API है उसका भी हेल्दी सेल्स दिख रहा है आपको। उसके बाद इनके पास पार्टी भी आ रही है, सॉरी डिमांड भी आ रही है थर्ड पार्टी से, API सेल से। तो इसलिए ये लोग एक्सपैंड करना चाह रहे हैं अपनी API कैपेसिटी को। उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वी एक्सपेक्ट टू मेंटेन गुड सेल्स फॉर ARV APIs इन फाइनेंशियल ईयर 22। तो ये एक पॉजिटिव बात है। उसके बाद इनका ऑन्कोलॉजी सेगमेंट में भी 5% ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में कंपेयर टू पिछले क्वार्टर। उसके बाद लॉरस लैब्स हाई लार्जेस्ट इनके पास लार्जेस्ट हाई पोटेंट API कैपेसिटी है इंडिया में। उसके बाद ये लोग और भी इसे एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, उन्होंने बोला है कि एंड वी आर एक्सपेंडिंग हाई पोटेंट API मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज इन वन ऑफ आवर यूनिट्स।
और आने वाले क्वार्टर्स में भी ऑन्कोलॉजी बिजनेस का एक्सपेक्टेशन है कि ये अच्छे से ग्रो करेगा। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है जो उन्होंने बताई कि जो सिंथेसिस डिवीजन है लॉरस सिंथेसिस, उसमें 20% ग्रोथ आया है फ्रॉम फोर्थ क्वार्टर ऑफ QY FY21 फॉर करस्पॉन्डिंग पीरियड। उसके बाद सेल्स ग्रोथ 35% आया है कंपेयर टू पिछले साल, तो ये काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि एक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी प्रोग्रेस में है क्रैम्स के R&D फैसिलिटी के लिए हैदराबाद में। उसके बाद इन्होंने इसी के लिए एक ग्रीनफील्ड साइट एक्वायर किया था वाइजैग में, और यही मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम आएगा उसका, और फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years इस पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। उसके बाद ये लोग एक्स्ट्रा लैंड ढूंढ रहे हैं। वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एन एडिशनल लैंड फॉर डिविजन टू मैन्युफैक्चर स्टीरॉयड एंड हारमोन्स विच आर हाई पोटेंट मॉलिक्यूल्स, और ये इनके एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसके काफ़ी पास में रहेगी, तो इससे थोड़ी कॉस्ट कटिंग में फ़ायदा मिलता है जब पास में ही आपका नया फैसिलिटी बनता है। तो उसके बाद लॉरस बायो जो इन्होंने कुछ महीनों पहले ही एक्वायर किया, उसमें भी आप देख सकते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में 1,80,000 liters आप देख सकते हैं स्केल फर्मेंटेशन कैपेबिलिटी रहेगी। उसके बाद ये लोग और लैंड एक्वायर कर रहे हैं ताकि वो एक्सपैंड कर सके कैपेसिटी, और इन्होंने बोला कि क्लोज टू 1,000,000 liters फर्मेंटेशन कैपेसिटी। तो अभी 1,80,000 है और ये लगभग 10 लाख liter कैपेसिटी तक एम कर रहे हैं होने का। तो इसके बाद फाइनेंशियल डिटेल्स डिस्कस हुई थी जो हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर रखा है, तो आइए टाइम बचाते हैं। उसके बाद फिर अगर आप देखें तो उनसे पूछा गया कि आप कैपेक्स को कैसे यूज़ करेंगे, तो इन्होंने एक टारगेट बताया कि हम आने वाले 2 साल में 1,500 से 1,700 करोड़ का कैपेक्स लगाएंगे, और वो 50% APIs के लिए रहेगा, 30% इन FDF जो फिनिश्ड डोसेज फॉर्म होता है, और 20% फॉर सिंथेसिस एंड लॉरस बायो। तो ये इनका ब्रेक है कैपेक्स का जो हमने बात की, 1,500 से 1,700 करोड़ का डिवीजन है। और आप जैसे हमने स्टार्टिंग में ही बात की कि जो लॉरस सिंथेसिस था इसे ये लोग एक 2 साल के अंदर एक इंडिपेंडेंट सिंथेसिस कंपनी बनाने का ट्राई कर रहे हैं जिसके पास अपना ओन प्रोडक्शन होगा, R&D होगा और बिजनेस डेवलपमेंट होगा, तो एक अलग से अपना एक ब्रांच ऑफ होने का चांस है तक, क्योंकि उसे इंडिपेंडेंट कर देंगे। और इन्होंने बोला है कि ये लोग बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इसलिए ये लोग API और इंटरमीडिएट्स में खर्चा कर रहे हैं, और इसलिए इन्होंने मैक्सिमम दैट इज 50% ऑफ केपेक्स API पे खर्च करने का प्लान किया है फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि वी एक्वायर्ड अ सेकेंड साइट फॉर आर फॉर्मुलेशन इन हैदराबाद ऑलरेडी, तो फॉर्मुलेशन के लिए उन्होंने ऑलरेडी लैंड एक्वायर कर रखा है और अभी काम चालू नहीं हुआ है बट आने वाले साल में चालू हो जाएगा। और फिर आइए नेक्स्ट वो देखते हैं। तो लॉरस बायो में इस साल ये लोग अराउंड 60 करोड़ कैपेक्स का प्लान कर रहे हैं, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद इन्होंने इनसे पूछा गया कि आपका कैपेक्स में मतलब सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन सी होगी, तो जैसे हमने पहले भी बात की कि मेजॉरिटी विल गो टू API, उसके बाद फिर क्रैम्स डिवीजन और फाइनली फॉर्मुलेशंस, तो इस ऑर्डर में ये लोग खर्चा करेंगे। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि फॉर्मुलेशन बिजनेस में पिछले क्वार्टर से कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं दिखे, बट इन्होंने बोला था कि डी बॉटल नेकिंग हुई है, तो इनसे क्वेश्चन पूछा धवल शाह ने कि आपने डी बॉटल नेकिंग की हुई है तो उसका इफेक्ट कब दिखेगा आपके रेवेन्यूज में। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने जो प्रमोटर है उन्होंने कहा कि जो डी बॉटल नेकिंग ऑपरेशन हुआ है वो अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है मंथ ऑफ मार्च, और ये कमर्शियल यूज़ इसी मई अप्रैल के महीने से स्टार्ट हुआ है, तो इसका असर आपको आने वाले क्वार्टर्स में दिखने वाला है। उसके बाद Q3 ऑनवर्ड्स वी डू एक्सपेक्ट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आर फॉर्मुलेशन कैपेसिटी बिकॉज वी विल बी यूजिंग द वेरी लार्ज स्केल न्यू बिल्डिंग बाय अक्टूबर। तो
तो डीबॉटलनेकिंग के कारण आपको कुछ रेवेन्यूज में बेनिफिट दिखेगा आने वाले 2 क्वार्टर में, और ह्यूज इंक्रीज दिखेगा 3rd क्वार्टर से, जब इन येलो का जो फॉर्मुलेशन का नया कैपेसिटी है वो भी ऐड हो जाएगा बाय अक्टूबर। तो ये एक नोट करने वाली बहुत ज़रूरी बात है। एक और ज़रूरी बात पे आ जाते हैं कि आप देख सकते हैं कि इन फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 2023 मोस्ट ऑफ आवर कैपेक्स इन एपीआई डिवीजन इज़ फॉर नॉन एआरवी बिजनेस एंड नॉन ऑनकोलॉजी एज वेल। तो नॉन एआरवी एपीआई विल सी सिग्निफिकेंट सेल्स इंक्रीजिंग पार्टली इन FY22, बट बहुत ज़रूरी बात, बिग जंप विल कम इन FY23। इन्होंने काफ़ी अच्छे से एम्फेसाइज किया कि बिग जंप आएगा FY23 में। तो बहुत ट्रिगर्स हम देख चुके हैं ऑलरेडी FY23 के लिए। और अगर हम और भी देखें तो इनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइना ने कुछ कुछ प्लेन्स अपने रोक दिए थे, कुछ कार्गो शिपमेंट्स रोक दिए थे, तो इनके बिजनेस को कुछ फ़र्क हुआ था कि नहीं, क्योंकि उससे ऑब्वियसली बिजनेस पे काफ़ी फ़र्क आता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमें कोई भी लॉजिस्टिक चैलेंज नहीं आया, तो इनका बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ उसके कारण। तो उसके बाद फिर अगर आप कस्टम सिंथेसिस बिजनेस के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो इन्होंने बोला है कि वी आर डूइंग गुड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स इन द लेट स्टेज क्लिनिकल फेज। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में लेट स्टेजेस तक आ चुके हैं, और इसमें इन्होंने बोला है विच स्पेशली इन हाई पोटेंट वी आर बिल्डिंग लार्ज स्केल कैपेसिटी। और उसके बाद ये लोग अभी लार्ज कैपेसिटी और बना रहे हैं स्टीरॉयड्स और हॉर्मोन्स के लिए भी, जो हमने पहले डिस्कस किया। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन दिस डिविजन, और इन्हें इतना कॉन्फिडेंस है कस्टम सिंथेसिस डिवीजन में कि इन्होंने बोला कि दिस इज़ द रीज़न वी हैव इनिशिएटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ डेडिकेटेड क्रैम्स R&D द इन्वेस्टमेंट ऑफ 150 करोड़, और उसके लिए उन्होंने लैंड भी एक्वायर किया है, और एक और लैंड एक्वायर करने का ये लोग सोच रहे हैं। तो मतलब इन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है अपने कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में कि ये काफ़ी अच्छे से फ्यूचर में ग्रो करने वाला है। तो ये सब बातें जो हमने बात की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी कि कस्टम सिंथेसिस बिजनेस में इनको काफ़ी अच्छा फ्यूचर दिख रहा है। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि जो हमने बात किया कि FDF जो है उसका जो डी बॉटलनेकिंग चल रहा है और लार्ज कैपेसिटी जो अक्टूबर से आने वाली है बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने पूछा कि इससे रेवेन्यूज पे क्या असर आएगा। तो इन्होंने बोला कि व्हेन द कैपेसिटी इज क्वालिफाइड एंड रेडी टू गो कमर्शियल वी हैव प्रोडक्ट्स टू मे बी मेड देयर, तो सो द इंक्रीज कैपेसिटी वी हैव विजिबिलिटी दैट वी विल यूज प्रिटी वेल सिग्निफिकेंटली। तो जो भी आपका ऐड होगा कैपेसिटी वो काफ़ी अच्छे से यूज होने की संभावना इन्होंने जताई है। उसके बाद फिर उन्होंने किसी ने पूछा कि जो इनका ट्रिपल कॉम्बिनेशन था ड्रग जो हमने ऊपर बात की, तो वो उसका क्या मार्केट है। तो इन्होंने बोला, और ये काफ़ी ज़रूरी बात है, कि द ट्रिपल कॉम्बिनेशन वी डू एक्सपेक्ट दिस ईयर टू बी $10 मिलियन अपॉर्चुनिटी, और नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा हो सकता है इसके लिए। और उसमें से इन्होंने बोला कि जो $10 मिलियन है उसमें से इनके पास ऑर्डर्स हैं उसके आधे के लिए ऑलरेडी, $5 मिलियन के लिए। तो इनके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स आ चुके हैं इसके लिए। तो और नेक्स्ट ईयर इन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ एनविजन किया है। उसके बाद हाँ, इन्होंने बहुत सारी जगह पे ये बात की थी कि ये लोग $1 बिलियन रेवेन्यू एम कर रहे हैं आने वाले सालों में। तो यही इन्होंने सवाल पूछा कि जो इनका एग्जिस्टिंग कैपेक्स है वो $1 बिलियन सेल्स ले जाने तक मदद करेगा कि एडिशनल कैपेक्स चाहिए रहेगा उसके लिए। तो इन्होंने बोला कि जो अभी आने वाले सालों में जो दो दो 1500 1700 केपेक्स डालेंगे, जो लगाएंगे, वो उसके लिए उनको एडिशनल केपेक्स, उस $1 बिलियन फिगर पहुंचने के लिए उनको एडिशनल केपेक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उन्होंने ये लिखा है, सो आई थिंक टू अचीव दैट एस्पिरेशन नंबर विच इज़ $1 बिलियन वी डू नॉट नीड मोर कैपेक्स। तो ये जो और आगे आगे कैपेक्स आने वाला है 1500 1700 करोड़, उससे और ज़्यादा इनके सेल्स एक्सपेक्टेड है कि इंक्रीज होंगे। और लॉरस बायो के बारे में हम थोड़ा बात करें, तो
इन्होंने बोला कि इसका जो फैसिलिटी है नया वाला वो कमर्शियल हो जाएगा 15th of May से, और बाय सितंबर पूरा फैसिलिटी ही कमर्शियल हो जाएगा। उसके बाद ये लोग 4 फर्मेंटर लगा रहे हैं 45,000 लीटर्स ईच, और उसमें से 2 मई में चले चालू हो जाएगा काम और 2 अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा। तो चारों अगस्त सितंबर आसपास तक कंप्लीट हो जाएंगे, और इनके पास ऑर्डर बुक भी है इस कैपेसिटी के लिए। और जैसे हमने ऊपर भी बात की कि ये लोग इसके लिए एडिशनल लैंड भी एक्वायर कर रहे हैं, जिससे मिलियन लीटर्स कैपेसिटी हो जाएगी। फिर इनसे पूछा गया कि आप रेवेन्यू की क्या विजिबिलिटी देखते हैं लॉरस बायो में, तो इन्होंने बोला कि वी विल प्रोबेबली डबल द रेवेन्यू इन द डिविजन एटलीस्ट इन दिस ईयर, मतलब इस साल इस डिवीजन में रेवेन्यूज डबल होते हुए दिखेंगे आपको लॉरस बायो में। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि आपका जो फॉर्मुलेशन साइड है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ और प्राइस ग्रोथ कैसा रहा, तो डॉक्टर चावा ने कहा कि हमने कोई भी प्राइस ग्रोथ या प्राइस हाइक नहीं की है इस साल, और जो भी रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो टोटली वॉल्यूम ग्रोथ से आया है और प्रोडक्ट एक्सपेंशन से आया है। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि परसेंटेज क्या है नॉन एआरवी रेवेन्यूज का इस क्वार्टर में और पूरे साल में, तो इन्होंने बोला कि 570 आउट ऑफ 1413 करोर्स, 570 करोर्स केम फ्रॉम एआरवी और अबाउट जो 40% होता है, और 60% इज नॉन एआरवी एपीआई रेवेन्यू इन Q4। उसके बाद पूछा कि आने वाले साल में कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉन एआरवी रेवेन्यूज। तो हाँ दोस्तों, अगर आपको एआरवी नॉन एआरवी रेवेन्यूज के बारे में समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं कि इन्होंने अपने फ्यूचर में बात किया है, और जो हम आगे आगे वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि ये लोग एआरवी में बहुत ज़्यादा मार्केट ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए ये लोग नॉन एआरवी एपीआईज और फॉर्मुलेशंस की तरफ थोड़ा लीन कर रहे हैं। इसलिए आपको दिखेगा कि ये लोग नॉन एआरवी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे हर जगह। तो इसलिए इनसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेशन फॉर नॉन एआरवी रेवेन्यूज, तो इन्होंने बोला कि इस साल कुछ ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू नहीं दिखेगा आपको और पिछले साल जैसा सिमिलर रहेगा, बट ये ज़रूरी बात है कि आप FY23 से गुड डाइवर्सिफिकेशन देख सकते हैं, और टोटल कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन बाय ऑफ रेवेन्यूज बाय FY25, और इसकी विजिबिलिटी हमको FY23 ऑनवर्ड से दिखने लगेगी। तो FY23 तो आप समझ लीजिए इनके लिए काफ़ी काफ़ी अच्छा रहेगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ भी है। उसके बाद इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इनके पास जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है उसका अबाउट 10% शेयर है इनके पास, और फिर इन्होंने बोला था कि विद इन 4 to 5 ईयर्स डाउन द लाइन द शेयर ऑफ कस्टम सिंथेसिस, अब जो कि काफ़ी हाई मार्जिन बिजनेस है, वो 20% हो जाएगा, जो कि डबल हो जाएगा। तो इन्होंने पूछा कि कस्टम सिंथेसिस का ग्रोथ क्या एपीआई फॉर्मुलेशंस के ग्रोथ को बीट कर देगा, तो इन्होंने बोला कि वी आर वेरी होपफुल कि FY23 ऑनवर्ड्स आर कस्टम सिंथेसिस ग्रोथ विल डेफिनेटली आउटपेस रेस्ट ऑफ द डिविजन्स, मतलब एपीआई फॉर्मुलेशंस सबको बीट करके कस्टम सिंथेसिस ग्रोथ सबसे ज़्यादा रहेगा, और ये काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं, बार बार इन्होंने ये मेंशन किया है। उसके बाद इनसे पूछा गया कि लॉरस बायो कितना कंट्रीब्यूट करेगा आपके टॉप लाइन में रेवेन्यूज़ में, तो देखिए दोस्तों ये कुछ महीनों पहले ही एक्विजिशन हुआ है, और आपको ये इस पैराग्राफ में आपको ये समझ आएगा कि कोई भी बिजनेस बहुत ज़्यादा जल्दी रिटर्न्स नहीं देगा, इट टेक्स टाइम। तो इसमें लोग यही बात करेंगे कि FY21 में लॉरस बायो का 50 करोड़ रेवेन्यू था, जो कि सिर्फ 1.2% कॉन्ट्रीब्यूशन था टॉप लाइन में, तो इन्होंने बोला कि विल रेवेन्यू बी 10% इन 2 ईयर्स, तो इन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, बट जो अभी 50 करोड़ इन्होंने इस साल किया वो 200 या 300 करोड़ हो सकता है आगे आने वालों सालों में, और इन्होंने बोला उसके लिए इनको नए नए बड़े बड़े कस्टमर्स खोजने पड़ेंगे, और डिवीजन को भी साइजेबल बनाने के लिए इनको 4 से 5 साल लग जाएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जैसे इनका जो क्रैम्स डिवीजन था
उसको भी 7 से 8 साल लग गए थे नर्चर होने में। तो आपको अराउंड 4 to 6 ईयर्स लॉरस बायो में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखेगा रेवेन्यू में, बट हाँ उसके लिए आपको 4 से 6 साल वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको दिखेगा, बट हाँ मिलियन लीटर्स अगर ये लोग कैपेसिटी टारगेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली बेनिफिशियल तो रहेगा वो। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि आपने इतने अच्छे मार्जिन्स, अभी इन्होंने जो रिजल्ट आया उसमें हाईएस्ट एबिटा मार्जिन्स एवर है, तो इनसे पूछा गया कि आप वो मेंटेन कर पाएंगे इस साल के लिए। तो उसके बाद इन्होंने बोला कि जो वी आर कॉन्फिडेंट टू मेंटेन 30% फ्रॉम FY23 ऑनवर्ड्स द सेम प्रॉफिट रेशियोज। तो FY23 के बाद से इन्हें काफ़ी कॉन्फिडेंस है कि ये लोग मेंटेन कर पाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि हमारा जितना भी ग्रोथ है वो प्राइस हाइक से नहीं है, कम्प्लीटली वॉल्यूम ग्रोथ है। और इन्होंने बोला कि इनका वे ऑफ बिजनेस है कि यू वांट टू ग्रो बिजनेस एंड मेक मनी बाय इंक्रीजिंग आर प्रोडक्ट बास्केट, इंक्रीजिंग आर मार्केट शेयर। और इनका जो भी ग्रोथ रहेगा वो रैदर देन प्राइस हाइक वो रहेगा मार्केट शेयर गेन और पोर्टफोलियो एनहांसमेंट। और इन्होंने बोला कि हमने इस साल भी प्राइसेस नहीं बढ़ाए और हाईली चांस है कि ये लोग अगले साल भी प्राइसेस ना बढ़ाएं। और अगर आप देखेंगे कि इन्होंने बोला कि जो मैंने आपको ऊपर बात की थी एआरबी और नॉन एआरबी के बारे में, कि इन्होंने बोला कि जैसे इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप देख रहे हैं कि आप डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हैं FY23 में, तो आप नॉन एआरबी से नॉन एआरबी की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे आपके मार्जिन्स पे इफेक्ट पड़ेगा। तो इन्होंने जवाब दिया कि वी डू नॉट सी एनी डाइल्यूशन ऑफ मार्जिन्स बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। जो एआरबी एपीआईज है उसमें भी लिमिटेड ग्रोथ है और इनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है एआरबी में, तो इसलिए ग्रोथ बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है एआरबी सेगमेंट में। इसके बाद इन्होंने बोला वी आर एडिंग डायबिटिक सेगमेंट, कार्डियोवैस्कुलर सेगमेंट विच विल बी कमर्शलाइज इन द बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर ऑफ FY22 ऑनवर्ड्स। और इसलिए इन्होंने बोला कि दैट इज़ द रीज़न वी आर इन्वेस्टिंग मोर इन टू नॉन एआरवी एपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो फॉर्मुलेशन में भी ये लोग एक्सपेंशन कर रहे हैं कैपेसिटी का, वो भी नॉन एआरवी ही रहेगा। तो ये कोई भी अच्छे बिजनेस का एक आइडेंटिटी होता है कि वो टाइम के साथ बदलते रहते हैं। तो ये आपको अभी तक इस कंपनी में दिख रही होगी कि इन्होंने देखा कि अब एआरवी बिजनेस में इनके पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, इसलिए ये लोग पिवट करना चाह रहे हैं नॉन एआरवी बिजनेस में। और इसके लिए लोग ये काफ़ी क्लियरली इंटेंट भी दे रहे हैं कि हाँ हम नॉन एआरवी में जाना चाह रहे हैं। तो ये प्रमोटर के बारे में काफ़ी अच्छे साइंस देता है कि ये टाइम के साथ ग्रो हो रहे हैं, ये अपने पुराने बिजनेस मॉडल पे स्टिक नहीं कर रहे हैं, जो कि हो सकता है आने वाले सालों में ज़्यादा जनरेट ना कर पाए प्रॉफिट्स, इसलिए लोग अब नए नए जगह देख रहे हैं जहाँ पे प्रॉफिट्स बढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा प्रमोटर ने कि वी विल सी सम ग्रोथ बोथ इन एआरवी एपीआईज एज वेल एज फॉर्मुलेशंस इन FY22, बट FY23 ऑनवर्ड्स ग्रोथ विल बी ड्रिवन बाय नॉन एआरवी एआरवीज इन एपीआई एज वेल एज फॉर्मुलेशंस। उसके बाद फिर इन्होंने इनसे पूछा गया कि आपका जो एआरवी बिजनेस था उसमें इतना आपको ग्रोथ कैसे दिखा, तो इन्होंने बोला कि एक थेरेपी शिफ्ट हुई थी फ्रॉम एफा वायरस बेस्ड टू डॉल्यूट ग्रवीर बेस्ड। तो वंस वंस दैट इज डन वी डू हैव द प्रोडक्ट बास्केट, इवन देर इज अ शिफ्ट फ्रॉम वन थेरेपी टू अनदर थेरेपी इन एआरवीज, वी आर फुली प्रिपेयर टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी टू आर फेवर। तो एआरवी में हो सकता है कि थेरेपीज बहुत शिफ्ट होती होंगी, और इन्होंने बोला कि अगर कोई भी शिफ्ट होगा उसके लिए हम कंप्लीटली रेडी हैं, हम तैयार हैं उसके लिए, शिफ्ट के लिए। उसके बाद इनसे, हाँ ये एक बहुत ज़रूरी बात है कि इनसे पूछा गया कि आप कोविड के लिए क्या सोच रहे हैं, आपके कुछ प्लान्स हैं वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग या कुछ भी रॉ मटेरियल बनाने के लिए, जैसे मतलब रेमडेसिविर हो गया, उसके लिए आप कुछ भी प्लान कर रहे हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया वी हैव नॉट मेड एनी कोविड रिलेटेड एपीआईज और फॉर्मुलेशंस एंड वी आर नॉट प्लानिंग टू डू दैट ऑल्सो।
उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि आप सोच सकते हैं कि कोविड में भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है कि बहुत सारी कंपनीज ने आगे आके इनिशिएटिव लिया है कि वो लोग मैन्युफैक्चर करेंगे कोविड रिलेटेड चीज़ें, जिससे उनका शॉर्ट टर्म में काफ़ी प्रॉफिट आएगा। बट अगर आप देखें तो इन्होंने बोला है कि हम इसलिए नहीं कोविड एपीआई या वैक्सीन में जा रहे हैं क्योंकि वी आर ऑपरेटिंग आर कैपेसिटीज फुली एंड फॉर अस टू डाइवर्ट दीज कैपेसिटीज फॉर एनी अपॉर्चुनिटीज वी हैव टू मीट आर कमिटमेंट्स टू एग्जिस्टिंग सप्लायर्स ऑन एआरवी। और एआरवी के ऑलरेडी 20 मिलियन पेशेंट्स हैं, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर होता है। और मतलब एआरवी के लिए जो भी इनके कमिटमेंट्स हैं वो हार्म ना हो जाए, ऑलरेडी जो इनके साथ जो इनके क्लाइंट रिलेशंस हैं वो हैम्पर ना हो जाए, इसलिए कोविड बिजनेस में नहीं जा रहे हैं। और ये काउंटर इंटुएटिव साउंड करता है, बट ये एक्चुअली अच्छा है कंपनी के लिए कि कंपनी फोकस्ड है, शॉर्ट टर्म गेन्स को चेज नहीं कर रही है, ये लोग लॉन्ग टर्म थिंकिंग रख रहे हैं। क्योंकि बहुत कंपनीज अभी क्या कर सकती हैं कि आप मान लीजिए आप कोई भी ड्रग बनाना स्टार्ट कर दें, और क्योंकि वायरस म्यूटेट करता है, आप एग्जिस्टिंग जो एआरवी, जैसे लॉरस लैब्स के पास एआरवी बिजनेस है, अब अगर वो छोड़ के वो कैपेसिटी अगर वो दूसरी कोविड रिलेटेड एपीआईस बनाने में लग जाए, और मान लीजिए वो एपीआई क्योंकि वायरस म्यूटेट हो जाता है तो हो सकता है वो यूज़फुल ना रहे 3-4 महीने बाद या 6 महीने बाद, तो उनका जो एआरवी क्लाइंट जो था उससे भी बिजनेस अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका काम छोड़ के आप कोविड का एपीआई बना रहे हो, तो ऑब्वियसली उससे भी आपका जो कस्टमर रिलेशन है वो अफेक्ट करेगा, और हो सकता है आप जो कोविड एपीआई बना हो उसका कोई सिग्निफिकेंस रहे ही नहीं 5-6 महीने बाद। तो ये भी एक चीज़ होती है जो आपको समझना है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। एज एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमें भी लगता है कि इन्होंने क्यों नहीं स्टेप अप किया और कोविड एपीआईस बनाए, बट आप कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इतना वो लोग खर्चा करेंगे, इतना आरएनडी में पैसा लगाएंगे, और हो सकता है उसका आउटकम ना ही आए कुछ। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने मेन बिजनेस पे, तो इसे आप एक प्लस पॉइंट मानिए। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता था, ये ज़रूरी बात। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि इनका जो लॉरस बायो डिवीजन है उसमें कुछ कोविड रिलेटेड वैक्सीन प्ले होगा क्या, या फ्यूचर में अभी ना हो रहा हो तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम अभी भी नहीं कर रहे हैं, ना हम लोग फ्यूचर में कोई कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कुछ काम करने वाले हैं। आई डो नॉट थिंक दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर अस। तो उन्होंने साफ अपना इंटेंशन बता दिया कि नहीं, हम नहीं करने वाले। उसके बाद इनसे सवाल पूछा गया कि एआरवी का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं करने वाला है, और आप क्योंकि ऑलरेडी एक बिग प्लेयर हैं, तो अगर आपको लॉरस को अच्छे रेट पे ग्रो करवाना है तो आपको नॉन एआरवी बिजनेस पे फोकस करना पड़ेगा। बट नॉन एआरवी बिजनेस सिर्फ 25-30% शेयर है आपके पास अभी, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि आपका जो फोकस जाएगा नॉन एआरवी बिजनेस में वो ग्रोथ रेट को कैचअप कर सके। तो इन्होंने बोला कि नॉन एआरवी एपीआई एंड फॉर्मुलेशंस ग्रोथ, वी हैव ऑलरेडी डेवलप्ड द प्रोडक्ट्स एंड वी हैव फाइल डीएमएफ्स एंड डॉसियस फॉर मार्केटिंग ऑथराइजेशंस। तो मतलब ये लोग ऑलरेडी मिडवे हैं इस डाइवर्सिफिकेशन में। उसके बाद इन्होंने बोला कि जो कस्टम सिंथेसिस बिजनेस है उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं उसमें आधा जो इन्वेस्टमेंट है वो कमिटमेंट फुलफिल करने में जा रहा है कस्टमर के, और जो रेस्ट है विथ रिस्पेक्ट टू कैपेसिटी एंड रेस्ट इज टू इंक्रीज प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो ये इनका प्लान है कि जो एपीआई में ग्रोथ कम रहेगा उसको नॉन एआरवी में कैसे कंपनसेट करें। उसके बाद इन्होंने बोला कि वी आर क्रिएटिंग 2 लाख स्क्वायर फीट आरएनडी फॉर क्रैम्स एंड वी आर क्रिएटिंग 2 न्यू साइट्स फॉर क्रैम्स डिवीजन। तो बाय FY23 क्रैम्स डिवीजन विल हैव 3 मैन्युफैक्चरिंग साइट्स और होपफुली हो सकता है कि 4 एंड एन आरएनडी सेंटर। तो ये अपने आप में ही काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो इनके काफ़ी सॉलिड प्लान्स हैं फ्यूचर में। उसके बाद इनसे पूछा गया कि जो आपके कैपेक्स नंबर हैं आने वाले सालों में 1500 से 1700 करोड़, आप कितना एसेट टर्नओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि
1.5 का एसेट टर्नओवर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो कि इनका ऑलरेडी है, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। उसके बाद फिर इनसे पूछा गया कि व्हाट वुड बी द मैक्सिमम रेवेन्यू पोटेंशियल इन एक्सपेक्टिंग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो इन्होंने बोला जो भी कैपेक्स होने वाला है, वी आर नॉट रेजिंग डेट, और जो भी होगा वो इंटरनल एक्रूअल से ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला कि आरओसी ही और रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर बहुत ज़्यादा हो जाए और कॉस्ट ऑफ डेट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, तो केयरफुल रहने की बात है। उसके बाद इन्होंने बोला कि ये लोग कन्फ्यूजन में हैं और इनके एक इंटरनल डिबेट्स चल रहे हैं कि वेदर टू रिटायर डेट और टू पुट मोर कैपेक्स, तो ये इनके अंदर एक इंटरनल डिबेट अभी चल रहा है। तो कंपनी के अंदर भी क्या बात चल रही है वो भी इन्होंने हमसे शेयर किया। उसके बाद इनसे पूछा गया कि यू हैव बीन सेलिंग स्टेक इन द ओपन मार्केट टू रिड्यूस हेज, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि देर इज़ नो प्लेज ऑफ शेयर्स फ्रॉम माई साइड, एवरीथिंग वॉज रिमूव। तो इन्होंने ओवर टाइम काफ़ी ज़्यादा प्लेज कम किया है, जो कि एक पॉजिटिव बात है, तो इसलिए इनसे पूछा गया था कि आप क्यों अपना स्टेक बेच रहे हैं। उसके बाद इनसे पूछा गया कि जो भी आप कैपेक्स करने वाले हैं उससे आपका कुछ डेट पे फर्क आएगा, कुछ ज़्यादा इंक्रीज दिखेगा आपको, तो इन्होंने बोला नो देर विल नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट डेट इंक्रीज। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है ये, कि बहुत ज़्यादा डेट इंक्रीज नहीं आएगा है इनके पास, और ये ज़रूरी है। कोई भी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा डेट आ जाता है तो वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाता है, क्योंकि वो कंपनी का बैंकरप्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जितना कम डेट उतना अच्छा, और वो भी सेक्टर रिलेटेड होता है, कुछ कुछ सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा डेट लेना पड़ता है, कुछ सेक्टर में आप डेट फ्री भी रह सकते हैं, और या तो बहुत कम डेट से भी काम चल जाता है, तो वो भी रहता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन्होंने बोला कि इनसे पूछा कि जो FY18 और 19 में था, इन्होंने बहुत सारी ग्रीनफील्ड फैसिलिटीज़ बनाई, इससे इनका जो ऑपरेटिंग वो था प्रॉफिट और डिप्रिसिएशन था इन आर पैट नंबर्स, वो दिखा आपको। बट जो अब जो एक्सपेंशन ये लोग कर रहे हैं उसमें वी डो नॉट सी द इन्वेस्टमेंट इम्पैक्टिंग आर नंबर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग उसमें फ़र्क नहीं दिखेगा आपको आने वाले नंबर्स में, जो भी ये लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं फिलहाल। उसके बाद मोस्टली मेन पार्ट तो कवर हो गया है प्रेजेंटेशन का, पूरा समरी मैंने आपको दे दिया है, जो 1 घंटे का कॉल हुआ था उस दिन, और हमने आपको उस वीडियो में बताया भी था कि हम आपके लिए लाएंगे, और हमने वीडियो बना दिया और काफ़ी डिटेल में स्टडी की है। और अगर आप देखेंगे कि हाँ, लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली ये कंपनी में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, स्पेशली फ्रॉम FY23 ऑनवर्ड्स, और जब फॉर्मुलेशंस का जो इनका कैपेसिटी एक्सपेंशन हो जाएगा उसके बाद आप देख सकते हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में भी काफ़ी पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा। साथ में ही लॉरस बायो जो है उसका भी जो 1 मिलियन लीटर कैपेसिटी हो जाएगी वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट दिखेगा रेवेन्यूज़ में। तो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली कंपनी बहुत अच्छी है, पास्ट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को, फ्यूचर में भी आपने जो जितना अभी तक पढ़ा होगा, जो हमने आज अभी तक डिस्कस किया, आपको समझ में आया होगा कि इनके पास काफ़ी क्लैरिटी है, काफ़ी फोकस्ड है कंपनी, तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो लॉन्ग रन में आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस कंपनी, और अगर आप एक एंट्री रेंज खोज रहे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा था, रिजल्ट के आसपास, बाद में नहीं, बाद में तो बढ़ गया था, बट आपको थोड़ा कंसोलिडेशन दिखा, बट फिर अचानक से आपको एक राइस दिखा 5 मई तक 491 पहुंच गया था, उसके बाद फिर आपको डिप दिखा, बट फिर इन्होंने बाउंस बैक कर लिया। अगर आप 5 दिन का देखें तो आप देख सकते हैं इन्होंने 500 टच किया था, जो कि इसका 52 वीक हाई बन गया था 4 मई को, उसके बाद फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखी और थोड़े दिन कंसोलिडेट हुआ और गिर गया, बट आपको फिर स्ट्रांग होते हुए देखा। और आप देख सकते हैं कि जो लास्ट वर्किंग डे था उसमें इन्होंने 498 का हाई बनाया था और क्लोज हुआ 487 पे, तो मतलब ये 500 के आसपास अभी भी जाने की कोशिश कर रहा है, 500 पे एक रेजिस्टेंस आप समझ रहे हैं डेवलप हो रहा है। तो ये कंपनी में अगर आपको डिप, अगर मान लीजिए आप अभी ले भी लें और अगर ये डिप मार भी दे तो वो एक पॉजिटिव बात ही है, क्योंकि
फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, लॉन्ग टर्म में आपको ये रिटर्न्स देने ही वाला है, और हमने फ्यूचर प्लान्स भी डिस्कस कर ही लिए हैं। तो डिप आए तो इनफैक्ट ऐड करना ज़्यादा अच्छा है रादर देन सेलिंग, क्योंकि कंपनी स्ट्रांग है तो कंपनी में काफ़ी काफ़ी वैल्यू है। और अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा तो आप हमें बता दीजिए, हम दूसरे कंपनीज के बारे में भी ऐसा एनालिसिस कर सकते हैं, और हम आने वाले कुछ कंपनीज के बारे में भी जिनके रिजल्ट्स आने वाले हैं उन पे भी एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप टू स्टे ट्यून्ड, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशंस आते रहें। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एनालिसिस के साथ। टिल देन, बाय बाय।